हेलो दोस्तों, इस 5 मिनट के वीडियो ने आपकी सोच नहीं बदली तो मैं बोलता हूँ आप इस वीडियो को डिसलाइक मार देना, पर पसंद आया तो अपना प्यार जरूर दिखाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया में हर बंदा सेम होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि 95% लोग दुनिया के 5% लोगों के लिए काम करते हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या अलग है जो कि बाकियों में नहीं है? जवाब है सोच। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। बस साला हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सोचना ही नहीं चाहते, और अगर सोचते हैं तो उस पर कुछ करना नहीं चाहते। इस दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक चीज, हर एक एम्पायर किसी न किसी के सोच का नतीजा है। एप्पल, रिलायंस, डिज्नी, ये उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। किसी बड़े कंपनी में, किसी बड़े एम्पायर में जॉब करने का सपना तो बहुतों का होता है, पर लाखों में ऐसी शख्सियत काश ही 1% लोगों में होती है जो ऐसा एम्पायर खड़ा करने का सोच रखते हैं। और सिर्फ वो लोग सोचते ही नहीं हैं, ये लोग वो अपने एक्शन के दम पर एम्पायर खड़ा भी कर देते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही है, पर हर एक चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी सोच से ही होती है, ये बात भी उतनी ही सच है। मैं 8 या 10 दिन पहले एक दोस्त से मिला था और हम कुछ फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे। तब उसने बताया कि अब वो अगले 2 साल तक 15,000 रुपये के जॉब करेगा, फिर सैलरी 25,000 रुपये होगी, और 2 साल तक काम करेगा तो 35 भी हो जाएगी और वो परमानेंट भी हो जाएगा, और इसके बाद तो लाइफ सेट है। दोस्तों, मुझे इस प्लान से नहीं, मुझे इस सोच से ही नफरत है, क्योंकि ये सोच आपको वही ज़िंदगी देगी जो कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन जीती है। और अगर आपको ऐसे ही जीना है तो भैया ऑल द बेस्ट। पर दुनिया में कुछ एड़े लोग भी होते हैं जिनके वो करना होता है जो हर किसी की औकात नहीं होती, पर आप इन्हीं में से एक हो तो आप उस सोच को अपने आसपास भी मत आने देना, क्योंकि वही ये सोच है जो तुम्हारे पंख काटती है और आसमान में उड़ने के बजाय तुम्हें ज़मीन पर रहने के लिए मजबूर कर देती है। और याद रखना, तेरा जन्म आसमान में उड़ने के लिए हुआ है, न कि जमीन पे रहने के लिए। रोज लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, रोज लाखों लोग अपना करियर बनाते हैं, और रोज लाखों लोग मर भी जाते हैं, पर ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो इन लाखों की भीड़ में भी कुछ अलग कर जाते हैं। क्योंकि दुनिया का एक वसूल है दोस्तों कि वह भीड़ को कभी याद नहीं रखती, क्योंकि मेरे भाई ये तेरी सोच ही है जो तेरे सपने को डिसाइड करती है, और वो सपना तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर तेरी सोच ही छोटी है तो तेरे सपने भी छोटे ही होंगे, और अगर सपने ही छोटे हैं तो तेरा फ्यूचर कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसका उल्टा, अगर तेरी सोच बड़ी है तो तेरे सपने भी बड़े होंगे, और उन सपनों को बड़ा करने के लिए तू भी अपनी जी जान लगा देगा, और इसका नतीजा क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी कहते थे कि बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। दया आती है मुझे उन लोगों पर जो लोग कहते हैं कि उतना ही पांव पसारो जितना कि तुम्हारा चादर होता है। मैं कहता हूं कि चादर ही बड़ा कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। हमारी सोच एक बीज जैसी है, अगर एक बीज को सही मिट्टी मिले, पानी मिले, तो कुछ समय बाद वही बीज एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। वैसे ही हमारी सोच है, अगर उसे सही एक्शन और हार्ड वर्क के साथ मिले तो इसी सोच से एम्पायर बनते हैं। दोस्तों, सक्सेस से बड़ा कोई नशा नहीं होता है, अगर एक बार इसकी आदत पड़ गई ना तो दुनिया की कोई शख्सियत आपको रोक नहीं पाएगी। इसीलिए सोच ऐसी रखो कि तुम्हारे जैसे जीने के सपने कईयों के हों। दोस्तों, और एक बात याद रखना, वो सोच भी अधूरी है अगर उसके साथ एक्शन भी न मिले, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी हैं पर उसके लिए कुछ करते नहीं। ऐसे लोग सिर्फ सोचने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सोच अगर सक्सेस के रास्ते की पहली स्टेप है तो याद रखना दूसरी स्टेप का नाम एक्शन है, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो हम बेडरूम से हॉल तक नहीं जा सकते यार, उसके लिए तो हमें खुद पैरों पर चलकर वहां तक जाना पड़ता है, यानी कि एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर सिर्फ सोचने से बेडरूम से हॉल तक नहीं जा सकते तो सिर्फ सोचने से हमारे सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। जल्दी ही मैं एक्शन पर भी वीडियो बनाने वाला हूं, आप
उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइड वाले घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक करके ही जाना। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं सबको भेज देना, मैं आपका अपने चैनल चेनारी अपडेटर में स्वागत करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।